दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीमेल आईडी का पासवर्ड आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। यानी दोस्तों अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो और दोस्तों आप यहाँ पर जीमेल आईडी बनाते समय जो पासवर्ड रखे थे वो आपको यहाँ पर याद नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको यहाँ पर विदाउट पासवर्ड यानी कि कोई भी पासवर्ड का आपको पर जरूरत नहीं है तो पर भी आप लोग नए पासवर्ड एक बना सकते हो, एक नए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तभी चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर जाके पूरी जानकारी आपको वहां पर देंगे। मैं अपनी फोन के स्क्रीन पर आ चुका, तो आपको ऊपर क्या करना है जीमेल वाला ऐप आपको ऊपर चालू कर लेना है, जैसे कि मैं यहां पर चालू कर लिया हूं। चालू करने के बाद आपको ऊपर प्रोफाइल पर ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, आप ऊपर देखिए यहां पर इस वाला पर आपको ऊपर क्लिक कर देना है, और इस वाला पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपके सामने जितनी जीमेल आईडी बना रखे वो पूरी आपके सामने जीमेल आईडी आ जाएगा, और जिस जीमेल आईडी का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो उस जीमेल आईडी को आपको ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर रखा हूं, मैं इस जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर क्या करेंगे सिंपली से इस वाला पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जिसके मैं इस वाला पर अभी क्लिक करूंगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए यहां पर कुछ इस तरह से आ चुका, तो आपको यहां पर कहां पर क्लिक करना है आपको यहां पर दोस्तों थोड़ा सा इधर करना, जैसे कि इधर करिएगा तो आपको यहां पर सामने दोस्तों सिक्योरिटी यहाँ पर देख सकते हो, सिक्योरिटी वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों इस वाला पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पर दोस्तों आपको वहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड है तो दोस्तों यहाँ पर इस वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है, पासवर्ड वाला पर क्लिक कर देना, और क्लिक करेगा तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोलेगा कि पिछला पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखे थे वो वाला यहाँ पर दीजिए, तब आपको ऊपर पासवर्ड चेंज होगा। बाकी दोस्तों आपको ऊपर पासवर्ड वाला याद नहीं है तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको वहाँ पर विदाउट पासवर्ड आपको वहाँ पर एक नया पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, नया पासवर्ड एक बनाने पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको वहाँ पर इस वाला पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं पर इस वाला पर अभी क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको ऊपर कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं कंटिन्यू वाला पर क्लिक करूंगा तो हमारी फोन का लॉक खो जाएगा, यानी कि जो अपने फोन पर लॉक लगा कर रखे हैं वो आपको ऊपर खोलने पड़ेगा। जैसे कि मैं अपने फोन का लॉक खोल लेता हूँ, और जैसे हम अपनी फोन का लॉक खोलेंगे उसके बाद दोस्तों हमारी पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए हम जो पासवर्ड रखना चाहते हैं, जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड हम यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड मैं यहाँ पर अभी लगा के दिखा देता हूँ, और हाँ दोस्तों आपके सामने अगर ऐसा नहीं आ गया जैसा मेरे में अभी आया है, अगर ऐसा नहीं आता तो उसके बारे में भी बताएंगे कैसे आपको ऊपर करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाला पासवर्ड पहले मैं आपको ऊपर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पासवर्ड अपने लगा लिया हूँ, और यहाँ पर दोस्तों पहला पासवर्ड लगाया और वही पासवर्ड को कन्फर्म में डाल दिए, यानी कि दोस्तों दोनों आपको ऊपर सेम पासवर्ड डाल देना। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना, और जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद दोस्तों आपका पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों फिर से कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अगर दोस्तों हमारे में अभी आया है, अगर वैसे आपके पास नहीं आता तो दोस्तों आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए दोस्तों हम पासवर्ड चेंज करें तो हमारी टाइमर भी बता दिया कि भाई अपने यहाँ पर इतने टाइम में पासवर्ड फिर से एक्सचेंज किए हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इतने टाइम में पासवर्ड चेंज हुआ। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा नहीं आता, जैसे कि दोस्तों आपके पास ऐसा आता है, जैसे कि आपको ऊपर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर इस वाला पर क्लिक करते हैं, जैसे कि इस वाला पर आप यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपके सामने दोस्तों कुछ ही तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि आपको ऊपर दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा सर्च ले रहा है, लेने देते हैं इसे सर्च है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ही तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देखिए पहला सेकेंड थर्ड यहाँ पर ऐसा कुछ करके आ जाएगा। तो आपको ऊपर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला पर आपको ऊपर क्लिक कर देना, जैसे कि इस वाला पर क्लिक करेगा उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर यहां पर कंटिन्यू वाला पर क्लिक करेगा तो आपको फिर से बोलेगा अपनी फोन का लॉक खोल लो, जैसे कि मैं अपनी फोन का लॉक खोल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर कुछ सर्च लेगा, सर्च लेने के बाद दोस्तों आप यहां पर देखिए कुछ तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो फिर से कंटिन्यू वाला पर क्लिक कर देना, और जैसे कंटिन्यू वाला पर क्लिक करेगा तो उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर अपना पासवर्ड यहां से चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों कुछ तरह से अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, और दोस्तों वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।